और अब आपको लेकर चलते हैं अल्बर्ट हॉल। कल गवाह बनने वाला है नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का, लेकिन उससे पहले तैयारियां कैसी हैं, वहां किस तरीके की व्यवस्था की गई है, ये दरअसल आपको भी बताते हैं और समझते हैं। हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, जरा बताइए कितने लेयर की सुरक्षा होगी, कितने जवानों को लगाया गया, कितने ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया, कितनों की सिटिंग वहां पर और क्या व्यवस्था वहां से? इन्हें देखिए, अल्बर्ट हॉल जो कि कल सरकार शपथ लेगी उसका गवाह बनने का तैयारियां अंतिम चरण के अंदर है। हम दिखाना चाहेंगे आपको कुर्सियां, जो अभी लगाने का सिलसिला है वो जारी है। करीबन 20,000 से अधिक कुर्सियां इस पूरे अल्बर्ट हॉल के सामने लगाई जाएगी। अगर बात करें सुरक्षा की व्यवस्था की, तो यहाँ पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, क्योंकि तमाम देश के जो VVIP हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह रक्षा मंत्री, तो तमाम VIP कल इस शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर मंच की बात करें तो 3 मंच हमारे जो कैमरा जर्नलिस्ट हैं संजय, उसको बोलेंगे कि मंच को जूम करके दिखाइए। ये देखिए 3 मंच बनाए गए हैं। एक मंच पर तमाम विधायक बैठेंगे, दूसरे मंच पर शहर और प्रदेश के तमाम साधु संतों को स्थान दिया जाएगा, और जो मुख्य मंच है उस मुख्य मंच पर तमाम VVIP, उनके साथ में राजस्थान के नए मुखिया भजन लाल शर्मा जो कि कल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, वो बैठेंगे। ऐसे में 3 मंच यहाँ पर बड़े मंच बनाए गए हैं। कुर्सियों की बात करें तो करीबन 20,000 से अधिक कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई है। माना जा रहा है कि 20,000 से अधिक व्यक्ति यहाँ पर आएंगे। इस पूरे रामनिवास बाग के जो गेट परिसर की बात करें तो सांगानेरी गेट से परिसर से आम व्यक्ति को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं VVIP की बात करें तो अल्बर्ट हॉल के पीछे से जो VVIP हैं उनके वाहनों को प्रवेश की जो सुविधा है वो यहाँ पर रखी गई है। जो व्यक्ति कुर्सी पर नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए LED यहाँ पर करीबन 100 से अधिक LED यहाँ पर लगाई गई है, जिससे कि वो अपने नेता को शपथ लेते हुए देख सके। माना जा रहा है विजेंद्र कि एक बार फिर से जो अल्बर्ट हॉल है वो अल्बर्ट हॉल इस नई सरकार का भी गवाह बनेगा। और खुद जिस प्रकार से यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है जिसको हम घोड़ा सर्किल बोलते हैं, वो भी शायद आज यही देख के मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ, सरकारें तो आती जाती रहती, लेकिन जिस प्रकार गवाही ये देते हैं, हमेशा जिस प्रकार गवाही ये देते हैं, आज फिर उसी गवाही के लिए ये भी एक प्रकार से तैयार है। पूरे अल्बर्ट हॉल को सजा दिया गया है। और जो कितने SP को जिम्मेदारी दी गई है, और क्योंकि जयपुर पुलिस तो रहेगी, उसके अलावा और कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो यहाँ तैनात रहेंगी, क्योंकि गृह मंत्री रहने वाले हैं, रक्षा मंत्री रहने वाले हैं, खुद प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। देखिए करीबन 50 से अधिक IPS जो पुलिस बेड़े से यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है सुरक्षा व्यवस्था की, तो 50 से अधिक IPS को इस सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था माकोल बंदोबस्त हो, क्योंकि देश के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी वो यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। एयरपोर्ट से लेकर अल्बर्ट हॉल यानी करीबन 8 किलोमीटर की दूरी के अंदर करीबन 7,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की यहाँ पर तैनाती गई है। RSC कंपनी की बात करें तो करीबन 5 RSC कंपनियाँ यहाँ पर तैनात रहेगी। और इसके अलावा खुद अभी थोड़ी देर पहले जब रिहर्सल की गई थी मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने और जाने की जो रिहर्सल हुई थी, उस रिहर्सल में तय किया गया कि उनकी यात्रा के दौरान सड़क पर कोई भी वाहन, सभी वाहनों की जो यातायात है वो बंद कर दिया जाएगा। अगर अल्बर्ट हॉल की बात करें तो अल्बर्ट हॉल पर भी केवल 2 जो रास्ते हैं वो खोले गए हैं आने और जाने के लिए, जिससे कि सुविधा अच्छी बनी रहे। इसके अलावा शहर की यातायात व्यवस्था जाम न हो, शहर में किसी प्रकार का जाम न लगे, तो इसके लिए भी ये व्यवस्था की गई है कि जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए।